मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। Hi everyone, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो एपिसोड है इसमें मेरे साथ है हर्ष, एंड हर्ष इज अ रियली नाइस गिटारिस्ट एंड अ वोकलिस्ट। एंड टुडेज एपिसोड हमने ये सोचा कि लेट्स मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू रिकॉर्ड योर वोकल्स एंड गिटार्स प्रॉपरली। मतलब आप यूट्यूब का कंटेंट बनाते हो तो क्या सारे वो अलग अलग किस्म के तरीके हो सकते हैं जिसे आप प्रॉपरली एक हाई क्वालिटी कंटेंट बना सकते हो। लाइक अगर आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज अ ऑडियो विजुअल फॉर यूट्यूब और समथिंग लाइक दैट। सो एज यू कैन सी दैट अभी जो हमारा करंट सेटअप है वो कुछ ऐसा है और हम कुछ अलग अलग तरीके की चीजों से एक्सपेरिमेंट करेंगे। देयर इज दिस रोड माइक व्हिच इज माउंटेड ऑन द कैमरा जिससे आप नॉर्मली मुझे अभी भी सुन पा रहे हो, उसी से हम एक छोटा सा एग्जांपल रिकॉर्ड करेंगे और डेफिनेटली थोड़ा सा पोस्ट प्रोडक्शन में जाकर के आप जो भी सॉफ्टवेयर में उसको एडिट करते हो उसको एडिट करते वक्त थोड़ा सा EQ कंप्रेस करके ऑब्वियसली उस ऑडियो को एनहांस कर सकते हो। सो लेट्स चेक आउट द रिजल्ट्स। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। मेरा ख्वाब मेरे तो इस एग्जाम्पल में आपने देखा होगा इवन आफ्टर द एडिट थोड़ा सा सिग्नल टू नॉइज रेशियो ज्यादा रहेगा। तो अगला ऑप्शन हम देखेंगे यूजिंग समथिंग लाइक अ वायरलेस माइक्रोफोन। मतलब वायरलेस ना भी हो तो आप एक लैपल सा माइक्रोफोन ऐसा हैंग आउट कर सकते हो, ऑब्वियसली रिकॉर्ड योर वीडियो विद दैट। सो इसमें अभी हमने इनको माइक ऑन किया है विद दिस कॉलर माइक्रोफोन एंड वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस ऑन दिस सोनी कैमरा। तो ऑब्वियसली थोड़ा सिग्नल टू नॉइस रेशियो थोड़ा बेटर होना चाहिए और क्योंकि जो हमारा प्राइमरी पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो वोकल्स है तो ये जो माइकिंग वाला सेटअप है दैट शुड वर्क प्रीटी मच। लेट्स हिट द रिकॉर्ड एंड विल चेक दिस आउट। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों आज ही यारो किसी पे मर के देखेंगे हम। प्यार होता है ये कैसे करके देखेंगे हम। किसी की यादों में खोए हुए ख्वाबों को हमने सजा दिया। किसी की बाहों में सोए हुए से बना दिया। So we hope कि आज का इस वीडियो से आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मिला होगा कि आप अगर बहुत ज्यादा सुपर टेक्निकल नहीं हो तो कैसे आसानी से आप मे बी यूजिंग अ लेपल माइक्रोफोन या कुछ इस तरीके का कुछ सेटअप करके आप अपना कंटेंट बना सकते हो। आज भाई का थोड़ा सा तबियत भी खराब है बट ही हैज कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम हल्द्वानी टू देहरादून जस्ट टू डू दिस एपिसोड विद अस। कल का जो वीडियो रहेगा उसमें हम मोर स्टूडियो ओरिएंटेड तरीके की बात करेंगे कि कैसे आप यूजिंग द स्टूडियो माइक्रोफोन एंड साउंड कार्ड और जो कंप्यूटर वगैरह है उसको लगा करके कैसे अलग अलग तरीके से आप सिमिलर रिजल्ट बल्कि थोड़ा बेटर रिजल्ट पा सकते हो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच, सी यू देन।